जामताड़ा जिले में 9 और 10 फरवरी को होने वाले सामूहिक विवाह को ऐतिहासिक बनाने को लेकर तैयारियां जोरों पर है। रविवार को शीतल कुटीर में सामूहिक विवाह में चयन किए गए कन्याओं को विवाह पूर्व लहंगा साड़ी और लड़कों को शेरवानी और पगड़ी दी गई। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक तरुण कुमार गुप्ता और कार्यक्रम के संयोजक राजा नित्य गोपाल सिंह ने अपने हाथों से कन्याओं को लहंगा शेरवानी और हल्दी के लिए पीली साड़ी प्रदान किया। इस मौके पर तरुण गुप्ता ने कहा कि आज जामताड़ा जिले के लिए गर्व का विषय है कि जामताड़ा विधानसभा के एक एक व्यक्ति के सहयोग से 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन में पूरी तरह से सहयोग रहा है। सामूहिक विवाह जामताड़ा के लिए यादगार कैसे बने, इसके लिए एक एक व्यक्ति से सहयोग मांगा जा रहा है। 9 फरवरी को आयोजित होने वाले मेहंदी हल्दी और गीत संगीत कार्यक्रम में कन्याओं को खुशी का एहसास हो, इसके लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। आज इसीलिए कन्याओं को मेहंदी रस्म के लिए पीली साड़ी और विवाह के समय लहंगा तथा दूल्हे के लिए शेरवानी विवाह के पूर्व उपलब्ध कराया गया, ताकि सभी लोग एक ही तरह के वस्त्र में विवाह में शामिल होकर उसे यादगार बनाने का कार्य करें। इस मौके पर कन्याओं को आशीर्वाद देने के लिए भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह सभी को आशीर्वाद देगी और अपने गीत संगीत से बच्चियों के साथ जामताड़ा के लोगों का मनोरंजन का गवाह बनेगी। 10 फरवरी को जेबीसी खेल मैदान में 51 दूल्हों का बारात हजारों लोगों की उपस्थिति में निकलेगी, जो गाजे बाजे के साथ यज्ञ मैदान में पहुंचकर वरमाला और सामूहिक विवाह में संपन्न होगा। इसके साथ ही तरुण गुप्ता ने कहा कि सभी लोगों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए जरूर पहुंचे। मौके पर नित्य गोपाल सिंह ने आए हुए कन्याओं को आशीर्वाद दिया और कहा कि 9 फरवरी को मेहंदी रस्म और 10 फरवरी को सामूहिक विवाह में पूरी तैयारी के साथ आए। वही सीतामुनि हांसदा ने कन्याओं को पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। मौके पर दर्जनों की संख्या में स्वयं सेवक उपस्थित रहे। जो इस कार्यक्रम के संयोजक है राजा नित्य गोपाल सिंह जी, इनकी उपस्थिति में इसके पहले हम लोगों ने नारायणपुर में बच्चियों को देने का काम किया। आज बहुत सारी बच्चियां यहां भी आई हुई थी, उनको भी ये वस्त्र हम लोगों ने दे करके आज देने का काम किए हैं। बाकी जितनी भी बच्चियां बच रही है सबको हम लोग सिलसिलेवार ढंग से दे करके इसको यादगार रूप में बनाना चाहते हैं कि जो मेहंदी का रस्म होगा, एक साथ 51 लड़की पीला वस्त्र में वो मेहंदी का रस्म के लिए यादगार का वो क्षण होगा। और लहंगा भी एक रंग का इसलिए दिया गया है क्योंकि जब वरमाला हो तो सभी लड़कियां एक समान रूप से एक रूपता और समरसता बना करके ये कार्यक्रम को संपन्न हो सके। और 9 फरवरी को जो मेहंदी का रस्म है, उस दिन इन लड़कियों को आशीर्वाद देने के लिए भोजपुरी स्टार गायिका और डांसर अक्षरा सिंह भी आ रही है। आज इन बच्चियों को आशीर्वाद दे करके इनके जीवन के वैवाहिक जीवन को सफलीभूत करने का विशेष रूप से आशीर्वाद देने आएंगे। और